हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू वर्मा इट्स माय वे। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो है गोल्डन नेचुरल एडवांस पील ऑफ मास्क। गाइस, ये सिर्फ 15 रुपीज़ का है गाइस, और ये दावा करता है कि आपके चेहरे को एकदम नेचुरल ग्लोइंग स्किन है, आपके चेहरे को एकदम गोल्डन ग्लो बना देगा। सो गाइस, ऐसा नहीं है, मैंने यूज़ कर रखा है बहुत बार, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके चेहरे को एकदम चमकता दमकता गोल्डन ग्लो देता है आपके चेहरे को। हाँ, यह है कि आपके चेहरा एकदम स्मूथ और ग्लोइंग हो जाता है थोड़ा सा। हाँ, आपको ये पार्टी में जाना तब से जरूर यूज़ कीजिए। हाँ, थोड़ा सा आपका चेहरा एकदम थोड़ा ग्लोई ग्लोई हो जाता है, बट इतना मैंने गोल्डन ग्लो नहीं करता। और ये दावा करता है विद 24 कैरेट गोल्ड। सो गाइस, मुझे नहीं लगता ये इतना वो है, बट मैंने इसमें घर के कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके एक नया पील ऑफ मास्क बनाया है गाइस। सो गाइस, इसमें मेरा चेहरा हो गया स्मूथ। मैंने कुछ भी ना, मैंने ना टोनर लगाया ना कोई मॉइस्चराइजर लगाया, रिसेंटली पील ऑफ भी नहीं हुआ गाइस ठीक से। वो बड़ा छोटा छोटा निकल रहा था, छोटी छोटी बाइट्स ही निकल रही थी, पील ऑफ कर रही थी। तो मैंने वो वीडियो नहीं, उसका शूट नहीं, क्योंकि निकल ही नहीं रहा था वो ठीक से। भी क्या मतलब है उसे दिखाने का, ठीक से निकल ही नहीं रहा। सो गाइस, जो आज की मेरी वीडियो है वो है एपकी नेचुरल का एडवांस गोल्डन पील ऑफ मास्क। सो गाइस, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ये नीचे सब्सक्राइब लिखा है ना रेड कलर में, से प्रेस करके ग्रे में कन्वर्ट कर दीजिए, और बगल में घंटा दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको सही सबसे पहले। और हाँ, अगर यूज़ कीजिए और आपके चेहरे को ये एकदम थोड़ा बहुत भी यार अच्छा लगे आपको, तो कमेंट कीजिए यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी फ़ायदा उठाना चाहिए ना हर चीज़ का। सो गाइस, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो करते रहिए। सो गाइस, जो आज का मेरा पील ऑफ मास्क है वो एकदम थोड़ा थोड़ा निकला है, तो मैंने उसे शूट नहीं किया, तो उसे ये मत कहना कि शूट और बैकग्राउंड को सॉरी, वो मैं अपने रूम में शूट करती हूँ ना वीडियो, तो गाइस वो काफ़ी एकदम लाइटिंग के बहुत दिक्कत होती है, इतनी एक ही तो लाइट हो गई है मेरे रूम में तो, और बाहर ड्राइंग रूम में नहीं कर सकती शूट, क्योंकि पूरी फैमिली बैठी रहती है, तो उनके सामने कहीं मैं हिचकिचाती हूँ बोलने में किसी के सामने में, तो अकेले में ही शूट करती हूँ। तो सो गाइस, मैंने आज सेकंड फ्लोर यूज़ किया, इसके स्टेयर यूज़ किए, तो बैकग्राउंड थोड़ा सा बुरा लग रहा है। सो गाइस, उसके लिए इग्नोर कीजिएगा, जो बताना चाहती है, जो दिखाना चाहती है वो देखिएगा, ना कि बैकग्राउंड को आप वो करें। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, मैंने लिया है एवरी नेचुरल एडवांस का गोल्डन पील ऑफ मास्क, ये 15 रुपये का सेशन लिया है मैंने गाइस। आप अपनी उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इसकी बॉटल भी आती है 70 या 75 के अकॉर्डिंग गाइस। तो मैंने लिया है सेकंड लेमन जूस। गाइस, लेमन एक नेचुरली ब्लीच का काम करता है, इसमें नेचुरल लाइटनिंग एजेंट होते हैं और जो आपकी स्किन को ब्राइट बनाते हैं। थर्ड लिया है मैंने टमाटर का पल्प। सो गाइस, टमाटो में होता है लाइकोन की अच्छी मात्रा होती है, जो लाइकोन के अलावा इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, आपकी स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाते का। थर्ड लिया है मैंने कॉफ़ी। गाइस, कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है आपके स्किन के डेड सेल्स को मिटाती है, और बेसन आपकी स्किन को ब्राइट और लाइटनिंग और दाग धब्बे को रिड्यूस करता है गाइस, मैं जैसे कलर में। सो गाइस, मैंने जो लिया था इसमें लिया था टमाटर, यानी टमाटर का पल्प। गाइस, टमाटर में लाइकोपीन की बहुत अच्छी क्वालिटी पाई जाती है, और इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, आपकी स्किन को फ्री रेडिकल्स यानी कि समय से पहले झुर्रियां पड़ना, आपकी एज दिखती है आपके चेहरे पे, तो ये उसको रिड्यूस करता है, ये आपके चेहरे से ब्लैक हेड्स वाइट हेड हटाने और मुहासे को भी, और ऑयली स्किन को तो बहुत ही बेनिफिशियल लगा। जबकि ऑयली स्किन तो आप टमाटर से रेगुलरली अपनी स्किन रूटीन में इंक्लूड कीजिए। और गाइस, कॉफ़ी में आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपकी स्किन के डेड सेल्स को हटाने तथा स्किन को ब्राइट बनाने में मदद करते हैं। कॉफ़ी में क्या ऐसे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करते हैं गाइस, और अब मैं करूँगी सप्लाई। सो गाइस, मैंने ठहर लिया था बेसन। सो गाइस, बेसन में ऐसी क्वालिटी पाई जाती है जो सन की यूवी रेस के कारण आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, आपके वो स्किन पे मतलब मीन्स चेहरे पे सनबर्न हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है, झूलने पड़ जाती है, उसको भी रिड्यूस करता है गाइस। सो गाइस, ये और आप पॉल्यूशन के कारण आपकी स्किन में बहुत तरह की डट जम जाती है आपके पोर्ट में, तो गाइस ये उसको भी हटाता है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट है गाइस। ये आपके दाग धब्बे को भी हटाता है, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं या आपकी स्किन काफ़ी डल है। सो गाइस, बेसन हल्दी कितना अच्छा पैक है, और मैं गुलाब जल मिक्स कर लीजिए और अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए, आपको 15 से 20 मिनट के अंदर आपके चेहरे को एकदम लाइटनिंग और ब्राइटनिंग बना देगा गाइस। सो गाइस, कोई भी पैक लगाने से पहले, मैंने आपको पहले भी बोला है, कोई भी पैक लगाने से पहले आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर ले, चाहे वो कुछ भी चेहरे पे कुछ अप्लाई करे या हेयर पे अप्लाई करे, कुछ भी अप्लाई करे, अपने हाथों को अच्छे से धो लें। सो गाइस, मैंने
प्लेन वाटर से अपने चेहरे को कर लिया वॉश और हाथों को अच्छे से कर लिया, एक लेन तो मैं कर लूँगी गाइज अप्लाई। सो गाइज जो मेरा फेस था ना वो थोड़ा गीला था तो उसके कारण ही बहुत गिरा, बहुत टपक रहा था इसे लगाते वक्त। सो गाइज अगर आप लें तो इसमें मैंने लिया था छोटा, एक छोटा चम्मच बेसन, तो आप इसमें डेढ़ या दो ले लें ताकि ज़्यादा गीला ना हो, क्योंकि आपको निकालने में दिक्कत होगी गाइज, क्योंकि मैंने लगाया है तो मेरे को निकालने में काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि कुछ निकला नहीं और सूखने में भी, और मैं क्योंकि ये सेकंड पार्ट थी गाइज तो पसीने आ रहे थे क्योंकि मुझे आप लेजों पर पसीने आते हैं तो पसीने के कारण वो ठीक से हो नहीं रहा था। तो गाइज 15 से 20 मिनट बाद मेरा हो गया चेहरा ड्राई, इसे मैं निकालने की कोशिश करूँगा। गाइज देखिए अब निकल ही नहीं रहा था ये, मैं कब से कोशिश करे चारी करे कर चारी, अब निकल जा भाई अब निकल जा, छोड़ दे मुझे, नहीं छोड़ ही नहीं रहा है। मैंने बहुत कोशिश की निकल जा निकल जा निकल जा, नहीं निकला गाइज। तो मैंने वो वीडियोस में ऐड नहीं किया क्योंकि निकल नहीं रहा था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में निकल रहा था, जो मुझे भी हंसी आ रही थी मेरी शक्ल देख के, कहीं कहीं वाइट और कहीं ब्लैक, क्योंकि कॉफ़ी कॉफ़ी ब्लैक वो होती है ना ब्राउन कलर की, तो कहीं कहीं पैचेस दिख रहे थे चेहरे पे, बहुत सारे दाग हो गए हो, बट ऐसा नहीं है गाइस, ये आपके चेहरे को अच्छा ग्लोइंग बनी बनाएगा। निकल नहीं रहा, बहुत पेन हो रहा था मुझे निकालते वक्त, और कहते हैं पील ऑफ से कहते हैं कि आपके फेशियल हेयर निकलते, तो गाइस ऐसा नहीं है, पील ऑफ से आपके फेशियल हेयर नहीं निकलते, हाँ एक से एक से एक या दो दो तीन से ज़्यादा नहीं निकलेंगे। सो गाइस देखिए आप अपने चेहरे को तो ग्लोइंग बनाता है आपको, पर ये कहते हैं ना कि आप गोल्डन पील ऑफ लगाओ और आपकी स्किन एकदम सोने से जैसे चमकती चमकती, ऐसा नहीं होता, हाँ थोड़ा बहुत इफेक्ट देती है थोड़ा थोड़ा बहुत आपकी स्किन को। देखो अब मेरी स्किन ना अब देख लो आप कर रही है, पर यह कि सॉफ्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी, ऐसा लग रहा था बेबी स्किन होती है ना, बेबी स्किन हो गई थी मेरी, इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट फील कर रही थी, मन कर तो बार बार अपने फेस पे हाथ लगाए रखो, तो मैं बहुत देर बार अपने फेस को यूँ कर रही थी, बहुत अच्छा लगता सॉफ्ट सॉफ्ट सा। सो गाइस मैं निकल लिया था अपने फेस को अच्छे से वॉश, गाइस तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।